हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या गाजी ऊंचा है अलम तेरा आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा भूलेगा न गम तेरा दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा नब की दुआ बन गए वक्त वो आएगा ज़ैनब की दुआ बन गए एक वक्त वो आएगा हर घर पे सजा होगा अब्बास अलम तेरा दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आए नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना अब कौन तेरे नाज़ उठाएगा सकीना ना रो ना सकीना ना रो ना सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा अब्बास नब लौट के आएगा सकीना
अब्बास नब लौट के आए अब्बास नब लौट के आए गसकीना क्या होगा जरा देर में मालूम है हमको क्या होगा जरा देर में मालूम है हमको तरखू में अलम नहर से आए का सकीना ना रो ना सकीना नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना पीछे बहुत जगह है थोड़ा थोड़ा सा पीछे होकर के आप लोग जरा आप लोग चुप रहो मैं बोल रहा हूँ आप लोग जरा नीचे बैठ जाइए ताकि हम आपके साथ बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं बैठ बैठ बैठो बैठो नीचे मैं गुजारिश करूँगा आप लोग बैठ जाए देखिए राइट और लेफ्ट पे कितनी जगह है अगर आप थोड़ा सा उधर उधर होए तो इन लोगों को जगह मिल जाएगी दरवाजे की तरफ बहुत जगह पीछे पीछे हो जाए आप लोग थोड़ा साइड में होए लेफ्ट में होए राइट में होए और थोड़ा पीछे होए यहाँ पे जगह ही नहीं है बैठने की आप लोग बैठिए नीचे बैठिए बैठ जा पीछे पीछे हो जाए बैठे आप लोग बैठे जगह ज़ुल्म पे आमादा ज़माने वाले इस तरफ सारे मोहम्मद के घराने वाले कौन किसका है तरफदार खैर करे करबला हो गई तैयार खुदा खैर करे करबला हो गई तैयार खुदा खैर करे ये कयामत के हैं आसार खैर करे करबला हो गई तैयार खुदा खैर करे करबला हो गई तैयार खुदा खैर करे रोजे आशूर हवाओं से बरसता है लहू रोजे आशूर हवाओं से बरसता है लहू किस की ये सरकार खुदा खैर करे तैयार खुदा खैर करे ये कयामत के हैं आसार खुदा खैर करे भला हो गई तैयार
और खुदा खैर करे, जाते हैं खुदा हाफिज़ो नासिर कह कर भाई, जाते हैं खुदा हाफिज़ो नासिर कह कर, बहन कहती है ये हर बार खुदा खैर करे, करबला हो गई तैयार खुदा खैर करे, ये कयामत के हैं आसार खुदा खैर करे। या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक मिनट। अब जो मैं कहता हूं कि मोबाइल बंद कर दो, तो आप हालत देखो जरा, ये सामने वालों की हालत देखो, कौन कहेगा कि ये लोग मजलिस में आए हुए हैं? तो मजलिस में है, ये मजलिस है, मजलिस में इस तरह मोबाइल खड़े होके तुम लोगों को किसने इस बात के लिए आदि बना दिया है? खामोश रहो, खामोश रहो। मैं समझ में नहीं आता कि ये आदतें कहां से आई हैं आपके अंदर कि मजलिस हो। अभी भी खड़े हुए देखो, या बराबर वालों को जरा आप पकड़ो, बराबर वालों को बताओ तुम भी किसी माँ के लाल हो, मजलिसे हुसैन में आए हो तो दुआ लेके जाओ बेटा, फर्ज बनता है कि नहीं? तो मोबाइल आप जो मोबाइल से बनाना चाहते हैं मैं मना नहीं कर रहा, साइड पे चले जाओ, मातमियों के दरमियान नहीं खड़े। अच्छा अब आपको इमाम हुसैन की कसम, थोड़ा थोड़ा पीछे हो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो। अब जो हुसैन को मानता है, जो हुसैन को मानता है, ये आगे बहुत छोटे बच्चे हैं, खुदा ना करे इनका दम घुट सकता है, नहीं और पीछे 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 बहुत जगह है, दरवाजे की तरफ पीछे पीछे हो जाए। अच्छा अब नमाज की तरह लाइन बनाओ, नमाज की तरह लाइन बनाओ, नमाज की तरह लाइन बनाओ। मैं नहाफानी करना चाहता हूँ मगर इस तरह से नहीं करूंगा, जरा पीछे और बेटा, थोड़ा पीछे और पीछे 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 हो जाए, पीछे हो, समझ में आ रही है? पीछे पीछे दरवाजे की तरफ बहुत जगह है, पीछे होते जाए आप लोग, पीछे वाले बच्चे हैं यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा पीछे हो और पीछे पीछे करो, पीछे करो, पीछे बीच वाले पीछे हो ना, पीछे। अब सब हाथ बुलंद करके हमारे साथ मतम करें, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन मासूमा है सकीना है मासूमा है सकीना है मासूमा मातम करे सकती बाबा बाबा तुम श्यामाना बाबा तुम श्यामाना बाबा मैं कर बुबला नहीं आ सकती बाबा बाबा तुम श्यामाना बाबा तुम श्यामाना बाबा अब मिलने अपनी बेटी से अब मिलने अपनी बेटी से जिंदा नाना बाबा तुम श्यामाना बाबा मैं कर बुबला नहीं आ
सकती बाबा बाबा तुम श्यामाना बाबा तुम श्यामाना बाबा तुम श्यामाना बाबा तुम श्यामाना बाबा अब जीने की कोई आस नहीं बेचैन हो तुम जो पास नहीं है बेचैन हो तुम जो पास नहीं नहीं तुमको हाल सुना सकती बाबा बाबा तुम श्यामाना बाबा तुम श्यामाना बाबा मैं कर वो बला नहीं आ सकती बाबा बाबा तुम श्यामाना 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 बाबा श्यामाना बाबा मैं कम सिंह सैयदजादियां तेरी बाबा मैं शहजादियां तेरे बाद मैं बाबा रुल गईयां तेरे बाद मैं बाबा रुल गईयां मैं मिट्टियां ते नहीं सो सकती बाबा तुम श्यामाना बाबा तुम श्यामाना बाबा मैं कर बला नहीं आ सकती बाबा बाबा तुम श्यामाना बाबा तुम श्यामाना बाबा मेरे प्यारे छोटे भाई मेरे दोस्त सैयद इमरान हैदर आबदी जरा सी खामोशी अगर आप खामोश नहीं रहे तो मैं वापस जा रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ आपसे ये मजलिस नहीं है फिर मैं चंद जुमले करता हूँ तो सोशल मीडिया पर डाल देते हो कि भाई ने ये बोल दिया अगर औलाद बदतमीजियां करेगी तो बाप टोकेगा कि नहीं टोकेगा अब जब यहां तुम हाथ उठाते हो तो पूरे जमाने में भी जाके उठाओ ना जो गलत है वो गलत है आप लोगों की तरबियत जरूरी है कितनी दूर माइक दूं आपको बोलने के लिए मजलिसे हुसैन है तेरे बराबर में क्या पता चौथे इमाम खड़े हो तो लिहाजा तहजीब व तमीज हमने बचपन से अपने दरमियान सीखी है कि बुजुर्गों के साथ कैसे रहना है नौजवानों के साथ कैसे रहना है यहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ मौजूद हैं ये सब आपकी गवाह बन रही हैं और बन रहे हैं मातम चाहता हूँ आपसे मातम कभी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई डिमांड नदीम सरवर ने सिंध में अपने शहर में नहीं की है एक चीज़ मांगता हूँ क्या मातम वो किस लिए मांगता हूँ कि महरूम नहीं हूँ मेरे मौला ने शहज़ादी ने मुझे वो इज़्ज़त दे दी कि मुझे फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ डिमांड कर रहा हूँ मातम अब डाल देना ये भी सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके लेकिन ये भी डालना कि मैं तुम्हारा गवाह हूँ मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं कि रोज़े हश्र जब मौला से मुझसे तुम्हारी गवाही ली जाएगी तो जो जिस हालत में है उस हालत में उसकी गवाही दूंगा कि इसके हाथ में मोबाइल था ये मातम कर रहा था ये लोग मातम कर रहे थे ये बात है कि नहीं है तो मैं इमाम हुसैन की फिर कसम देता हूँ क्योंकि इससे बड़ी कसम हमारे पास है नहीं मेरी बात तो मानोगे नहीं इमाम हुसैन की कसम थोड़ा थोड़ा और पीछे हो और नमाज की तरह सब बनाओ तुमको इमाम हुसैन की कसम नमाज की तरह सब बनाओ मातम सीने पे करना और पीछे जजाकल्ला जियो अल्लाह तुम्हें आबाद रखे शाद रखे आबाद खामोश रहो चुप रहो मैं सब बना रहा हूँ तुम जरा सा अब मातम जैसी सब बनाना जैसे आपने हिंदुस्तान की वीडियो में देखा है खामोश रहो मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपने हिंदुस्तान की वीडियो में देखा है जिस तरह ईरान में लोग बनाते हैं लेकिन हाथ बुलंद करके मातम करके दिखाना है आप तैयार हो
मेरे लिए नहीं, मैंने फिर कह दिया है, मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है और इसी इज्जत की बुनियाद पर तुमको तकाजा करता हूँ कि कराची की वीडियो जाए तो पता चले कि ये वीडियो है। मैं तमाशा करने नहीं आया, ना तुमसे नारे लगवाना चाहता हूँ। नौहा, मातम, मातम और सिर्फ मातम पूरी दुनिया में। मैं फिर कहता हूँ कि कराची वालों, तुमने 5% भी नदीम सरवर को नहीं सुना, क्यों? कि तुम लोग मातम नहीं देते हो। लेकिन कल आपने देखा किस तरीके से मातम दिया है, किस तरीके से किया है मोमिनी ने। सब कर सकते हो आप, लेकिन डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जिस तरह एक टीचर होता है, एक लाइन बनाओ सीधी बिल्कुल, हाथ पकड़ के एक दूसरे की, ऐसे पीछे वाले जैसे नमाज में खड़े होते हैं, ऐसे नमाज में खड़े होते हैं। शाबाश शाबाश, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अपना चेहरा मेरी तरफ रखो, चेहरा मेरी तरफ रखो, और अगर तुमने मातम दे दिया तो आज तुम नदीम सरवर की नौखानी सुनना इंशाल्लाह। इमरान आब्दी ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये जब मजलिस रखी तो ये मेरी फरमाइश पे इन्होंने रखी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मजलिस मेराज पर है। कितने उलमाए दीन आते हैं, पैगाम दे करके जाते हैं इस इमाम बारगाह के हवाले से, हज़रत इमाम हसन के हवाले से। एक कलाम पढ़ रहा हूँ, लाइन सीधी बना लो, बस लाइन सीधी बना लेना। जो पीछे लोग हैं जज़ाकल्ला, जो पीछे खड़े हैं मैं भी देख रहा हूँ उनको, अल्लाह उनको आबाद रखे। हाय कैसे छुटके आई वतन। अभी का एक वाकया बयान करता हूँ कि एक लड़के को मैंने कहा था, शायद गुस्से से कह दिया होगा, कि तू अपना हाथ मोबाइल वाला नीचे नहीं रख रहा है। अभी उसने मुझे फ़ोन किया है और कहा है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जिस हाथ में मेरे मोबाइल था अब वो किसी और पोजीशन में है वो हाथ। आप समझ रहे हैं, मैं सैयदज़ादा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, क्या पता मौला इमाम सज्जाद मुझसे बुलवा रहे हो कि ये पैगाम मेरा इन तक पहुँचा दो। इससे पहले तुम इमाम की नाराज़ी नहीं, इमाम की रजा लो, इमाम की रजा लो। जब खड़े हो मातम करो। तो जिनके मरहूमिन माएँ नहीं हैं, क्या इन मस्तूरात में तुम्हारी माएँ नहीं आई होंगी, वो अपने बेटों को नहीं देख रही होंगी? इसी तरह हुसैन की माँ भी तुमसे पुरसा कबूल करने के लिए आती है, पुरसा लेने के लिए आती है। सब मातम करना मेरे साथ। कब्र जहरा पे जिस दम गई लाई रो रो के लपर सुखन, अम्मा से दोनों के तल, चली तीरों से दोनों के तल, एक तीरों की जद पर जनाजा। हसन है हुसैन, हसन है हुसैन, हसन है हुसैन, एक तीरों की जद पर जनाजा, एक तीरों के ऊपर जनाजा। हाय मेरे हुसैनो हसन, 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 हाय मेरे को रोती हुई आ रही हूँ, एक रोती हुई मैं गई हूँ, एक रोती हुई आ रही हूँ, एक रोती हुई आ। बहन ने उठाया ये भी सदमा, बहन ने उठाया। हाय मेरे हुसैनो हसन, हाय मेरे हुसैनो हसन, हाय मेरे हुसैनो हसन। यसरब नजर आया, यसरब नजर, करोगे मातम, करोगे मातम। नजर आया, यसरब नजर आया, यसू मैंने महमिल के जो पर्दे को उठाया। यसरब नजर आया,
यस रब नजर आया, यसू मैंने महमिल के जो पर्दे को उठाया, यस रब नजर आया, यस रब नजर आया, रब नजर आया, यस रब नजर आया, यस रब नजर आया, नजर आया, यस रब नजर आया, यस रब नजर आया, यस रब नजर आया, यस रब नजर आया, तो मूढ़ा के उदासी उजड़ा बनी हाशिम का, उजड़ा बनी हाशिम का महला नजर आया, यस रब नजर आया, यस रब नजर आया, यस रब हुए करबला एक कारवार रुखसत हुआ, सर पे अलम साया फिगन गाजी की आती है सदा, पहला सफर जैनब का है सुनता निकल दो रास्ता, कारवा अब्बास मीरे कारवा, माशाल्लाह कारवा अब्बास मीरे कारवा, 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 क्या शान है क्या दबदबा, क्या लोग हैं कुरान मां, सल्ले अला आयत का ये काफिला, मशको अलो इनका निशान, मेरे कारवा अब्बास मीरे कारवा। कराची मेरा घर है, इसलिए मैं इस तरह अपने बच्चों से बात भी करता हूँ, कभी सख्त लहजा भी हो जाता है, लेकिन बुजुर्गों से नहीं, बुजुर्ग मेरे सर का ताज है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक कलाम अगर आप मेरा साथ दिया जिस तरह इस तरह दे रहे हैं, खुदा की कसम दुनिया के किसी कोने में भी जाता हूँ, अभी इंडिया हैदराबाद दक्कन गया था, पहले दिन मैंने कहा था कि मोबाइल वाले साइड पे चले जाएं, वो खुशी खुशी चले गए। मैं इसलिए कहता हूँ कि तमाशा ना बने, मातमियों को मातम करने दो, जो मातम करने के लिए आए हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो, बुरा लगता है, आप उधर से बनाइए, जितनी वीडियो बना सकते हैं दूर से बनाइए, ताकि मुझे कोई एतराज़ किसी किस्म का भी नहीं, मातम में नहीं। एक कलाम जो मेरे दिल का कलाम है, तमाम नौजवानों की सेहत और सलामती के लिए अलम अब्बास के सामने, और मातमियों तुम्हारे दरमियान हजरत अब्बास, इंशाल्लाह तुम महसूस करोगे कि हजरत अब्बास तुम्हारे दरमियान है, माशाल्लाह। दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा, अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास, अगर तुमने हजरत अब्बास को
कहोगे? दरिया पे जो पहुंचा असदुल्लाह का प्यारा, अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास, ललकार के फिर फौज को गाजी ये पुकारा, तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा के तुम्हारा, लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया का नारा है अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। ये वो पहला बन था कि जब मैं नोहा बना रहा था तो पहला मिसरा मेरे जहन में आया था, और वो मिसरा क्या था, हजरत अब्बास के अलम से मुझे मिला कि लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा। और जो पहला बंद लिखा जो जहन में आया वो क्या था, वो पेश कर रहा हूँ। उसके बाद इसको कंटिन्यू डॉक्टर हिलाल नकवी ने किया, 57 बंद लिखे गए इस कलाम के। अच्छा मौजाती कलाम है लेकिन 7 बंद पढ़ चुका, ये पसंदीदा मैं इसका कह रहा हूँ। तारुफ देखो, इससे बड़ा तारुफ कोई कर सकता है? अगर नदीम सरवर आके सिर्फ ये कह रहा है कि भाई माँ की जानिब से मैं नकवी सादात हूँ, बाप की जानिब से मैं रिजवी सादात हूँ, मगर मैं नदीम सरवर, अब अब्बास जब अपना तारुफ कराएगा तो क्या है, मैं हैदर कर्रार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा जहरा की दुआओं का सिला हूँ, अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ, ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बासे अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बासे अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बासे अलमदार अलमदार अलमदार, का न तलवार उठाना वरना मेरी जरबों से लरजता ये जमाना, ये फौज जफाकार ये जालिम का ठिकाना, एक नैज़े से नक्शा ही बदल जाएगा सारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। और ये बंद, और ये बंद जिनको याद है, और सबको ही याद है, बच्चे बच्चे को माशाल्लाह ये याद है, ये हजरत अब्बास का करम है तुम्हारी नस्लों पर माशाल्लाह। आज दुआ लेकर के जाऊंगा और दुआ दे के जाऊंगा इंशाल्लाह कि मेरे अब्बास, अगर आज कोई एक लम्हा हमारा पढ़ने का आपको पसंद आए तो कुर्बतन इलल्लाह उसका सारा सवाब, जितने ये मोमिनीन मोमिनात आए जो बीमार हैं, किसी परेशानी में हैं, जो इस्तेमा से दुआ के लिए क्या, मैंने ये सारा सवाब आपको दिया। मिलके मेरे साथ पढ़ो, क्या फौज की तादाद बताते हो से डराते हो हमें तुम, अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अलमदार अलम
अलमदार बाबा या अब्बास बाबा या अलमदार अलमदार बाबा या अब्बास बाबा या अब्बास बाबा या अब्बास देखो उतराई में एक मर्द वफादार बाबा या बाला है गूंजी सी शेर की गाजी की ये ललकार गर इजाजत दे हुसैन दे हुसैन गर इजाजत दे हुसैन अर्श हिला सकता हूँ इस अलम से नई तारीख बना सकता हूँ हाँ मैं अलमदार 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 हाँ मैं अलमदार अलमदार अब्बास या अब्बास अलमदार अब्बास 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 अलमदार 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 अब्बास 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 वक्त वक्त इतना नहीं है कि मैं इतने सारे कलाम पूरे मुकम्मल पढ़ सकूं। अब मैं आपका गवाह हूं और ये बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आगे हैं, इनका ख्याल रखना। इस तरह से साथ दिया जाता है मजलिस हुसैन, इस तरह होती है। क्योंकि खुदा की कसम हज़रत अब्बास को हाजिर हाजिर जान के कह रहा हूँ, मैं जब आता हूँ मेरे दिल में कोई सोशल मीडिया कोई कुछ नहीं होता। मैं चार चार महीने अपने कमरे से नहीं निकलता, मैं गुशनशीन आदमी हूँ। और जो मेरा पर्सनल पेज है बस उस पेज को फॉलो करें, बाकी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उस पर कभी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं आती सिवाय जिक्र हुसैन के और गम हुसैन के। तो लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि कौन मेरा बाजू बनना चाहता है, क्योंकि वो साहिब असर ने जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। देखो एक बात सुनो, किसी आलिम दीन से मैंने पूछा था, मैंने कहा किबला हम साहिब असर को कैसे पहचानेंगे? कहने लगे पहले आज के दौर में जो साहिब असर के नुमाइंदे हैं उनको तो पहचान, तुझसे 50 वोल्ट का बल्ब देखना बर्दाश्त नहीं है, तू लाखों वोल्ट का बल्ब की बर्दाश्त कर रहा है। तो मैं अपनी नमाज शब में और जब जब मौला के हुजूर गया हूं, हमने एक ही दुआ की है कि साहिब असर हमसे राजी हो। ठीक है, हो गया काम। अब एक अहद करते हैं यहां पर, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर रोजे हश्र हजरत अब्बास ने मेरी शिफात की तो मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, लेकिन अगर मेरे गायब में भी और पीछे भी आप लोगों ने, मैं नहीं क्या फोर्स नहीं कर रहा आप लोगों को, सिर्फ मजलिस हुसैन मांग रहा हूँ, मातम मांग रहा हूँ आपको। दुनिया में 117 मजालिस छोड़ के सिर्फ कराची आता हूँ मैं, 117 इन दिनों में, तो कुछ ना कुछ तो मेरा हक है ना, कुछ ना कुछ। ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर भी जिक्र हुसैन को जारी रखा, जिक्र हुसैन को जारी रखा है, तो मेरा साथ दो मेरे बाजू बनो जहाँ तक हो सकता है। इमरान आब्दी साहब, ये मजलिस आपके घर की, आपकी वालदा, आपके ख़ानदान ने इसकी बुनियाद रखी और ये जारी है, जारी और सारी रहेगी। अली शनावर से एक कलाम मैं पढ़वाना चाह रहा हूँ और वो एक फरमाइश भी है बहुत से मोमिनों मोमिनात बहुत दूर दूर से आए हैं। इसके बाद नज़र है, मैं ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ तारीखी आज मैं मातम करना चाहता हूँ। मैंने चंद मातमियों को देख लिया है, मैं आपका गवाह हूँ मेरे भाई साहिब असर के हुजूर में आपका गवाह हूँ इंशाल्लाह।
या हुसैन शाही करबला अपने की वजह तुमको पता है, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे, या मौला या मौला मौला जवार बना दे, या मौला मौला जवार बना दे। घर से मैं जिस वक्त चलूं करबला को, बाजू पे बांधूंगा मैं तावीज रजा को, माँ मेरी सीने से लगाएगी दुआ को, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे, या मौला या मौला बना दे, या मौला मौला जब्बार बना दे, या मौला मौला जब्बार बना दे। जब मैं मौला हुसैन की मौला अब्बास की जरी पे गया तो मैंने गाजी सरकार को बोला कि अब भी करोड़ों है मुहिब आपके, करोड़ों है मुहिब आपके, करबला जो कि नहीं आ सके, दिल में ज़ियारत की हसरत लिए, कहते हैं मौला हमें बुलवाइए, या शाह करबला उनकी भी सुन लो सदा, या शाह करबला उनकी भी सुन लो सदा, वो भी बुला बस मौला बुला ले, सुन ले सदाए, हमको दिखाए करबला, सबकी सदा करबला, सबकी दुआ करबला, पूछो अदादारों से तो सब ये कहेंगे, बस मौला बुला ले, सुन ले सदाए, हमको दिखाए करबला, बस मौला बुला ले, सुन ले सदाए, हमको दिखाए करबला। अली जी और अली शराब का मगरिब की नमाज के वक्त एक मन्नत थी हजरत अब्बास से, तो ज़ियारत आशूरा पढ़ना हम लोगों पे वाजिब है। ये इसलिए नहीं कह रहा
तबलीग भी कर रहा हूँ पता चले कि ज़ियारत आशूरा के कितने फ़ज़ाइल और कितने फ़वाइद हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए। ये नदीम सरोवर का एक रूप तो देखते हैं, दूसरा रूप फ़कीरों में जाकर के मिलना है, वो राज लेने हैं, वो वजीफ़े लेने हैं, वो वजीफ़े लेने हैं कि बचपन का मेरा एक वजीफ़ा है जो मैं 1982 से कर रहा हूँ। वो वजीफ़ा वो है जो हज़रत इमाम हुसैन किया करते थे, वो वजीफ़ा वो है जो इमाम अली किया करते थे। 17 अगस्त 2017 में मैंने उसको 99 लाख की तस्वीर अपनी मुकम्मल कर दी और ये अपने बच्चों के वजीफ़ा क्या था। उसके बाद अली जी वही कलाम सुनाएंगे जो अली जी की अपनी सोच है, अपनी फिक्र है, इन्होंने बनाया है, वो पढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या वजीफ़ा है? या रहमान या रहीम, या खालिक हो या मालिक हो, या कादिर हो या वारिस हो, या अव्वल हो या आखिर हो, या ज़ाहिर हो या बातिन हो, या वाजिद हो या माजिद हो, या वाहिद हो या बासित हो, या हादी हो या बारी हो, या बाकी हो या वाली हो, या हय हो या कयूम, या रज़ाक या अज़ीम अल-नूर हो, या मुग़नी हो अज़ीज़ हो, या करीम गफ़ार हो, सत्तार जब्बार, या हकीम क़ुद्दूस, या शकूर या गफूर हो, या हलीम, या मोमिन हो मोहिमिन हो, मुइज़ हो मुज़िल्लो, मुतकल्लिम मुतकब्बिर हो, समीउ हो बसीर हो, मुक़द्दम हो मुअख़्खर हो, मुंतक़िम याफ़ू ज़िल जलाल वल इकराम, मालिकुल मुल्क या बाइस ज़ार हो, लतीफ़ हो हफ़ीज़ हो, मजीद हो हमीद हो, समद हो अहद हो बर हो कवाब हो, खबीर हो कबीर हो, बदी हो हुक्म वली हो, वकील हो या अली हो, मुफ्ती हो या मुईद हो, या मुख्तदिर हो मुख्सत मुतअल्ली हो, या रऊफ़ हो हाफ़िज़ हो काबिज़ हो, मासी हो मुही हो मतीन हो, या हक़ हो या क़वी हो, या अदल हो या गनी हो, या वासी हो राफ़ी हो माने हो नाफ़ी हो, जामे हो वदूद हो सबूर हो रशीद हो शहीद हो आब हो क़ाहिर हो, या मुजीब हो या रक़ीब हो, या हसीब हो या मुमीत हो, या मुक़ीत हो या जलील हो, या मुसव्विर हो या सलाम हो, या फ़त्ताह हो, इन्ना रब्बी अला कुल्ल शैइन हफ़ीज़, इन्ना रब्बी अला कुल्ल शैइन हफ़ीज़, इन्ना रब्बी अला कुल्ल शैइन हफ़ीज़। ये इस तस्बीह 99 नाम है तेरे, तो मेरे 99 लाख भी पूरे हुए 2017 में। रोज़ा अपने बच्चों को ये कह रहा हूँ जिसके पास तस्बीह है, फस्करूनी वास्करुकुम, के अल्लाह कहता है तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूँगा। बहुत से राज हैं ज़िंदगी के, वो ये सब तस्बीह के अंदर है, ये सब तस्बीह के अंदर है। अब अली जी ने कौन सा कलाम बनाया है, खुसूसन ये जो बच्चे मेरे सारे अली शना और अली जी बैठे हैं, आज मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको, मुझे पता है कि इसके बाद नजर दस्तरखान आप सबके साथ करूंगा इंशाल्लाह बैठ के। बिस्मिल्लाह यादगारे करबला है ये अलम अब्बास का, अलम अब्बास का यादगारे करबला है ये अलम अब्बास का, आज भी लहरा रहा है ये अलम अब्बास का, अलम अब्बास का, रखना है इस अलम को ऊंचा रखना है, अलम को ऊंचा रखना है, अलम को ऊंचा रखना है, ऐ शेर नयास्ताने तेरी याद को जिंदा रखना है, इस अलम को ऊंचा रखना है, अलम को ऊंचा ने मौला अब्बास या अब्बास या अब्बास, मौला अब्बास या अब्बास या अब्बास, से बा खुदा सबका वसीला या अब्बास, सबका वसीला या अब्बास, सबका वसीला सबका वसीफा सबने दिल से माना है, इस अलम को ऊंचा रखना, इला अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास, अफ़ाने हुसैन तेरी याद को जिंदा रखना है, इस अलम को ऊंचा रखना है, इस अलम को ऊंचा रखना है, दुनिया में सहारा है अलम, बाप खुदा है नाज़ हम
सब मिल के जो अलम पे आया या अब्बा अलम पे आया मांगा वो पाया अलम पे जाते रखना है अलम को हाँ बेचैन है क्यों बेताब है क्यों क्यों दिल पर अपने बोझ लिए चुपचाप गमों को सहता है तू पुरसादार है गाजी का चल आज अलम पर चलते हैं अब्बास वसीला है रब का अब्बास कह जो कहना है अब्बास कह जो कहना है ये अलम है मौला गाजी का यहाँ रब की रिजाए यहाँ चौदह शिफाए यहाँ रात आए यहाँ पांच पनाहे बस अलम के साथ ही रहना है बस अलम के दलम के रहना है बस साथ अलम के रहना है बस साथ अलम के रहना जब अलम है साथ तो समझो अलम वाला है दरी जब अलम वाला है तो समझो शहे वाला भी है अलम वाला है तो समझो शहे वाला भी है साथ है बीबी सकीना और मशकीजा भी है साथ है बीबी सकीना और मशकीजा भी है ये अलम जहाँ है आप या अब रखना है इस अलम को ऊंचा रखना है इस अलम को ऊंचा रखना मौला अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास मौला अब्बास या अब्बास माशाल्लाह जिसका ये माइक है उसके लिए भी दुआ करता हूँ बेटा बेहतरीन माइक है आपका जिसने ये लाइटें लगाई हैं जिसने सजाया है इनका भी आपके जो कैमरे से वीडियो पूरी दुनिया में भेजे हैं और जो लाइव वीडियो वाले स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तुम्हारे लिए भी दुआ है बेटा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं बुजुर्गों को दिखा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल मेरे दिल में जगह है मेरी कोई उनसे वो नहीं है लेकिन जो सवाल जवाब होते थे मैं उनका जवाब दे रहा हूँ लेकिन बीच में यहाँ नहीं अब अगर मातम के लिए तैयार हो थके तो नहीं हो क्या हुसैन देखो जहाँ मैंने बचपन से सीखी है कहाँ शोर मचाना है कि जब मैं सलाम या हुसैन पढ़ूँ या अली या हुसैन जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे या हुसैन अबद बंदा या ज़हरा मालिन सा हुसैन से लेकर के इंशाल्लाह कल मैं अपना टाइटल अब जो शबेदारी आ रही है चार रबीउल अव्वल इंशाल्लाह औरंगी टाउन बिरादर अजीज रजी हैदर ने ये मजलिस की आगाज़ किया है मैं औरंगी टाउन मजलिसों में बचपन में तो कभी गया हूँ लेकिन ये जो इमाम बारगाह आप देख रहे हैं ना इधर एक छोटी सी जगह होती थी एक गौहर भाई यहाँ पर हुआ करते थे और अभी भी होंगे अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे तो इमरान आबदी साहब मैं 12 साल की उम्र में 9 साल 10 साल की उम्र में यहाँ नौकानी करने आता था और इसको मुस्तकिल रखा है जो मजलिसें मैं 45 साल पहले करता था आज भी कर रहा हूँ 40 साल पहले ये कंटिन्यूटी है मेरी लेकिन मजलिस मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी मजलिस तो सिर्फ मजलिस अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे अच्छा यहाँ गवाह बनना मैं बीच में मोबाइल हो अच्छी बात है हाथ उठाओ जो इसके खिलाफ है अब गवाह रहना मेरे तुम्हारे हाथ अब्बास के सामने बुलंद हुए अब जहाँ जो कोई बात करे तो उससे ये कहना है कि मजलिस का तकद्दुस पामाल होता जीते हो हाथ नीचे करो लेकिन अब मैं तारीखी कलाम पढ़ रहा हूँ शाम गरीबा का और ये कलाम ये मैंने ईरान में जब मैं गया था और मैंने पढ़ा था तो हज़ारों आदमियों ने उस पर अजीब व गरीब मातम किया था
जगह मिल जाएगी। करबला में भी जगह नहीं होती है खड़े होने की, थके तो नहीं, करबला में भी जगह नहीं होती आखिरी आदमी तक। और जो मेरी माए बहने जिनको मैं देख नहीं रहा, लेकिन शहजादी ज़ैनब ज़रूर इनके दरमियान में आई हुई। मैं शाम गरीबा का जिक्र करने जा रहा हूँ कि शहजादी सकीना सलाम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें घर खैरियत से लेकर के जाए और तुम्हारी बेटियाँ सेहत और सलामती के साथ हो, तुम्हारी बहनें सेहत और सलामती के साथ हो। खुदा की कसम मातम के दरमियान मैंने मुझे मिला है, मैंने एक चीज़ मांगी थी कि मौला मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं दीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कैप पहने। जब अली जी ने डबल डिग्री की, यानी शनावर ने डिग्री की, मेरी बेटी ने डिग्री की, उस वक्त मुझे पता चला करबला वाकई यूनिवर्सिटी है। करबला सिर्फ मख्तले हुसैन नहीं है, करबला एजुकेशन है, करबला मदरसा है। अली जी से मैंने फरमाइश की थी, मैंने आज तक कोई वीडियो कहीं की भी नहीं डाली, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के साथ, दुनिया भर के लोगों के साथ मेरी तस्वीरें हैं, मगर मेरे पेज पे कभी आप मेरी तस्वीरें नहीं देखोगे इस तरह की, और जो ज़रूरी होती है वो डालता हूँ। अली जी से फरमाइश की थी कि अली जी ये ग्रेजुएशन की वीडियो ज़रूर डालना, ताकि मेरे नौजवानों को मोटिवेशन हो, उनको तकवीत मिले कि नौजवानी के साथ साथ। ये बच्चा रिकॉर्डिंग में मेरे साथ काम करता था, लेकिन असाइनमेंट करता था, सुबह 5 बजे तक काम करना और 7 बजे यूनी जाना, दोनों को कंटिन्यू रखा। अब्बास ने इनाम दे दिया कि ये होता है इनाम, जज़ाकअल्लाह। अब मेरे साथ खड़े होकर मातम करना, अच्छी लगी आपको बातें? कोई एतराज़ तो नहीं? हाथ उठाओ। अब तुम्हें अलम अब्बास की है कि हाथ उठा चुके हो, और पीछे जाके मुकरना मत, दुनिया को बताना कि हक क्या है। अगर आज इमाम ज़माना के साथियों को हम लोग पहचान लेंगे, तो कल इमाम को भी पहचानेंगे। किस लिए नहीं पहचान पाते? कि गुनाहों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से इतनी गंदी लेयर हमारी आंखों पे आ जाती है कि हम अच्छा इंसान नहीं पहचान पाते। तो फिर इमाम ज़माना को या इमाम ज़माना के आदमियों को कैसे पहचानेंगे? ये मजलिस हुसैन है, मेरा साथ देना। बस मैं अलविदा की तरफ आ रहा हूँ। इमरान आब्दी साहब का दस्तरखान है, अजीब करे मेरी बेटी, माँ है, बहने, बेटियाँ, तुम लोगों की आवाज़ आना चाहिए, क्योंकि ये बीबियों का मातम है जो शाम गरीबा में हुआ है। I said,
said इंशाल्लाह 11:30-12 बजे वहाँ पढ़ूंगा और 5 रबी वाला सन सगी रात थी इस वक्त नोए के सवा कुछ याद नहीं रहता सात को रजा हुसैनी इंशाल्लाह मेरे मालूम में पढ़ी गई आधी रात थी गुजर चुकी थी सुन रहे हो ना अब मेरे साथ सफर किया है तुमने आज तुम सब ने मेरे साथ सफर किया है सफर करो मेरे साथ उन लोगों के साथ सफर करो जो करबला के रास्ते में सरकार नजफ के रास्ते में कई आशिक हैदर मिलते हैं सलमान ने सिखलाए हैं आदाब फकीराना ये मेरे दिल के अल्फाज हैं ये मेरे दिल की सदाएं हैं मैं जहां जाऊं मेरे साथ ही रहता है क्या लफ्ज है कि मेरी तन्हाई की खामोशी को सुनता है ये खामा खां तो नहीं है ना अली देता है तो लिखता हूँ अली देता है तो पढ़ता हूँ तो एक कलाम आधी रात बीत चुकी थी आधी रात बाकी थी अचानक मेरे जहन में आया उसके इब्तदाई जुमले मैंने रेहान आजमी को फ़ोन किया मैंने कहा रेहान गज़ब की बात जहन में आई है रेहान ने कहा जब सुना फ़ोन पे तो खुदा की कसम उसका जुमला था उनके नदीम सरवर नज़र उतारो ऐसी चीज़ें कभी कभी मिला करती हैं याद रखना कि लिखना बहुत आसान है मगर वो गौहर नायाब जो उनकी बारगाह से मिले उसकी बात अलग है और तख्लीक कभी सोच के नहीं होती तख्लीक हमेशा रब की अता है बाकी सारे काम अपनी मर्जी से कर लोगे तख्लीक मोहम्मद वाले मोहम्मद की अता के बगैर मुमकिन नहीं है मेरा साथ देना और मैं उसी लहजे में पढ़ूंगा जिस लहजे में मुझे ये आता हुआ है पूरा कलाम आबदी साहब और उनकी फैमिली की फरमाइश भी है मैं मूसा का वहीद का जैन का लंदन से मेरे दोस्त नसर इमाम और काजम शाह का कासिम का आसिम का अदनान का और कोई नाम रह गया हो तो माफ़ करना मैं शुक्रगुजार अली शनावर अली जी का भी कि इन्होंने भरपूर तरीके से एक बाप का ऐसे साथ दिया है यकीन करो कि मैं जूता अपना अपने घर में नहीं पहनता मेरे बच्चे मुझे पहनाते और यही बाप की अजमत है बाप की बड़ाई यही है अपने बाप को जूता पहनने ना दो कि जिसने हमेशा तुम्हें बचपन में जूता अपने हाथ से पहनाया जब तुम चलते थे तो चील की तरह चलता था कि मेरा बच्चा इधर से उधर ना हो जाए आज जब तुम बड़े हुए हो तो तुम्हारा फ़र्ज नहीं है कि बाप नज़र आए तो उसका साथ दो है मेरी उंगली पकड़ के चलते थे अब मुझे रास्ता दिखाते हैं बात तो ये होना चाहिए ना छठे इमाम इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि बच्चे की तरबियत इस तरह करो कि 14 साल में वो आपका मुशीर हो एडवाइजर आरिफ हुसैनी तुम मौजूद थे उस वक्त वो कलाम मैं पेश कर रहा हूँ शाम गरीबा ज़ैनब तन्हा घोर अंधेरा मौत का साया बादल बन के सर पर छाया आवाज़ें तापों की उभरी कौन जले खैमों की जानी तेज कदम से चलता देखती क्या है उसका बाबा बाप के सीने पर सर रख के बिलक बिलक के तड़प तड़प के ऐसा रोई माता
जनब नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो जनब नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो जनब नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो ओ नारो ए नब नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो दोनों का टाइटल भी यही टाइटल है ये आपदी साहब की फैमिली की तरफ से भी है और मैं अपने जो बीमार हैं जिनके भी वालदैन जिस जगह भी हो जिस परेशानी में भी हो आज नियत करना इस सैयद के सामने आज नियत करना उस परेशानी को जहन में रखना और रख के निकाल देना और सिर्फ मौला हुसैन की जरिए अपने जहन में रखना कि जो हुसैन से प्यार करता है अल्लाह उसको नवाजता है शिफाएँ दे अल्लाह तुमको आब्दी साहब के जनाब इमरान हज़र आब्दी के बेटे का नाम इस कलाम पे ही रखा गया पेश कर रहा हूँ हा मिन हाल एक दिन आके कहा ऐ मौला मेरे ऐ ज़ैनुल बा गमज़ादा कहा गुजरे तुम पर मुँह मिलिया खून रोने लगे खून रोते हुए बस इतना कहा अशा 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 हार तड़प कर कहने लगा रोने का सबब मौला है क्या मेरा से शहादत आपकी है मौला ने कहा ला रेब मगर उफ तूने नहीं इंसाफ किया कि बेशक मीरास शहादत है ये आल नबी की फितरत है सर बे परदा माँ बहनों का एक ये भी मिली मीरास क्या अशा 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 नारो मौला 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 मिन हाल में कैसे जिंदा हूँ पल पल जीता हूँ मरता हूँ इन आँखों ने जो कुछ देखा ये भी मेरी मीरास क्या आशा आशा जनब नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो जनब नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो लेकिन हाथ कलम करके करना क्योंकि वीडियो बन रही है अभी नहीं वीडियो बन रही है हाथ ऊपर आना चाहिए दोनों हाथ ऊपर आना चाहिए अभी नहीं जब मैं मारे नारो नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो जिगर के टुकड़े नारो नारो जनब नारो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजर गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा हमें आपके बर हमें रास्ते
रिसालत याली याली हर गली करके जिक्र अरी लगे नारा हैदरी हैदरी हैदरी